आप बूथ पर डिस्टर्ब करने वाले कौन होती हैं? आप यदि उम्मीदवार हैं तो शांतिपूर्ण मतदान होने चाहिए। जिस बूथ पर रोनी आचार्य गई और वहां पर दो दो बार गई और बूथ को डिस्टर्ब किया, लोगों को भड़काने का काम किया, ये पार्टी की कार्रवाई है। पार्टी स्वाभाविक तौर पर पार्टी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है तो पार्टी के स्तर पर ऐसी कार्रवाई होती है। पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है उसके पूरे चित्रण आपको एक गाने के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है और बिहार की जनता को भी बताने का काम किया गया है कि अब की बार 400 पार क्यों करना चाहिए। वैसे मोदी जी को लगभग 400 सीटें पिछले 10 वर्षों से लगातार देश की जनता देते रही है और एनडीए के स्वरूप में कभी 350 जीते, कभी 325 जीते, लेकिन इसके बावजूद देश में जब भी कोई संशोधन की जरूरत पड़ी तो लगभग आशीर्वाद मांगा है कि 400 पार कराना है और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो वादे किए गए, जो अधूरे सपने, उसको पूरा करना है। इसलिए मैं अपने पार्टी के कला मंच के पूरी टीम को, इसमें जिन लोगों ने गायन का काम किया उसको भी धन्यवाद, लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जो देश को विकसित भारत, संपूर्ण भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने का सपना देख रहे हैं उसमें एक अहम योगदान देने का काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हम लोगों ने जांच के लिए कहा है कि यदि कोई पुलिस वाला, यदि वो लालू जी का अंगरक्षक हो, राबड़ी देवी जी का अंगरक्षक हो, इसकी जांच होनी चाहिए। और क्यों जाएगा कोई? इतने लोग, इतने पुलिस वाले कैसे घूम रहे उनके साथ? यह जांच का विषय। और यहाँ भी अभी शिकायत हमें मिली है कि पाटलिपुत्रा में भी लालू जी के अंगरक्षक और राबड़ी देवी के अंगरक्षक मीसा भारती के साथ घूम रहे। ये सारे चीजों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जांच करने के बाद तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। और बूथ पर, एक ही बूथ पर यदि कोई दो बार कैंडिडेट जाकर बूथ को डिस्टर्ब करता हो, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, एक चीज बताइए आप हमको, आप बूथ पर डिस्टर्ब करने वाले कौन होती हैं? आप यदि उम्मीदवार हैं तो शांतिपूर्ण मतदान होने चाहिए। पूरे जिले में कहीं भी इस तरह की अप्रिय घटना नहीं घटी, सिर्फ उसी बूथ पर जिस बूथ पर रोनी आचार्य गई और वहां पर दो दो बार गई और बूथ को डिस्टर्ब किया, लोगों को भड़काने का काम किया, लोगों के साथ तुतु मैमे करने का काम रोनी आचार्य ने किया है, तो इस पर कार्रवाई होगी, जांच की प्रक्रिया चल रही है। ये पार्टी की कार्रवाई है। पार्टी स्वाभाविक तौर पर पार्टी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है तो पार्टी के स्तर पर ऐसी कार्रवाई होती है।